हेलो एवरीवन, आई एम मेघा यादव, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ द समारा इज़ नॉट ओनली द समारा सिटी बट द समारा यूनिवर्सिटी विच इन आई एम स्टडिंग राइट नाउ द समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं अब तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और चीज़ें जो जो मुझे पता है यहाँ के बारे में, जितना भी है सिटी और कॉलेज के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे ऑटम सीज़न चल रहा था, थोड़ी थोड़ी ठंड थी, अभी फिर काफ़ी ठंड गई है, अब ठंड का मौसम जा रहा है। बाकी स्नो तो आप देख ही सकते हो, मेरे साइड में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि -30 से लेके +30 तक टेम्परेचर जाता है। तो अभी मेरे टाइम पे -27 जो हाईएस्ट गया था टेम्परेचर, और गर्मियों में देखते हैं कितना जाता है। तो वेदर के मामले में ये ठीक है, आपको कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो इंडिया में शायद ही नहीं करा होगा। आप ऐसे पहाड़ों वाली साइड से नहीं हो तो आपने ऐसा टेम्परेचर तो नहीं ही फील करा होगा जैसे मैंने यहाँ के करा है अभी। तो ये काफ़ी नई चीज़ रही है और मज़ा भी आया है। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं झेली जाती, तो अभी इस टाइम ना -1 टेम्परेचर हो रहा है, तो इस टेम्परेचर में इतनी ठंड नहीं लग रही है, सच बताऊं मैं, कि हम आइस जैकेट्स वगैरह सब कुछ पहन के बाहर जाएं। नॉर्मल इसमें हम बाहर जा सकते हैं, इतने हम फ्रेंडली हो गए हैं यहाँ के टेम्परेचर से। तो यहाँ के टेम्परेचर का कुछ ऐसा सीन है। और अगर मैं सिटी की बात करूँ यहाँ की, तो नो डाउट समारा इज़ वेरी ब्यूटिफुल, नो डाउट, लिटरली यहाँ बहुत सुंदर है समारा। ठीक है, ग्रीनरी वगैरह जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी उस टाइम पे, अब तो सब झड़ गए हैं, अब दोबारा से स्प्रिंग आएगी जब सब सही होगा। तो ग्रीनरी एंड ऑल, सिटी, जगह यहाँ की बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऑल्सो यहाँ पे वोल्गा रिवर है जो इसको और ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो समारा की गंगा कहते हैं वोल्गा रिवर को हम लोग, क्योंकि वो है एक्चुअली ऐसे ही, तो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है वोल्गा इसको। बीच है प्रॉपर, वहाँ बहुत अच्छा एरिया है, उसके पास ही हमारी क्लास लगती है, तो हम वहाँ काफ़ी बार जा चुके हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जहाँ पे हमारा डीन ऑफिस है ना, तो वहाँ का जो एरिया है वो नो कार्स एंड ऑल है, तो वो पूरा स्ट्रीट एरिया है, तो वहाँ पे कार्स वगैरह अलाउड नहीं है, वॉकिंग स्ट्रीट है और बाइसिकल एंड अलाउड है। तो वो एकदम जैसा वाइब आती है ना, फॉरेन कंट्री की स्ट्रीट होगी ऐसा एकदम चलने का, तो वो ऐसा है। तो काफ़ी ज़्यादा बिग सिटी है, तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, बसेज एंड ट्रैम्स हर जगह अवेलेबल रहती हैं। टैक्सीज भी हैं, वो थोड़ी कॉस्टली हैं जैसा मैंने अब तक देखा है, क्योंकि थोड़े से डिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो हम बसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं कहीं भी जाने की। उसमें हमको सिर्फ 17 रुपीस चार्ज लगता है, तो इतना कुछ है नहीं। ऑल्सो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी एज अ इंडियन स्टूडेंट कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे इंडियन खाना मिलता है। बाहर आके ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, यू नो, इंडियन खाने को। तो यहाँ पे इंडियन खाना है, आपको मिलेगा रेस्टोरेंट, वो थोड़ा कॉस्टली है, नो डाउट, अगर बाहर जाओगे आप इंडियन खाने तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं वहाँ पे गई हुई हूँ खुद से, तो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इतना भी नहीं है, तो आप जा सकते हो आप महीने में एक बार, वो आप पे डिपेंड है आपका बजट क्या है। और यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है, पर मैं अभी गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स कुछ गए हैं वहाँ पे, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है यार यहाँ पे, कि आपको इस्कॉन टेम्पल देखने को मिल रहा है। इंडिया से इतनी सारी रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे आके। और समारा सिटी काफ़ी ज़्यादा शांत, सुंदर, इस टाइप की सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है ये। यहाँ का खुद का एयरपोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट भी, आप इंडिया की जो होती है वो फ्लाई दुबई से, आप यहाँ से दुबई जाओगे फिर इंडिया जाओगे, तो आपको समारा से ही वो फ़्लाइट मिलेगी, मॉस्को जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है अगर आप फ्लाई दुबई से फ्लाई करना चाहो। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे सुनी है कि यहाँ पे 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और होप सो इन 6 ईयर यहाँ पे कोई ऐसा मैच हो, हम वहाँ देखने जाएंगे यहाँ पे स्टेडियम में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिटी वाइज ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा समारा, ठीक है, सेफ भी है गर्ल्स के लिए। तो अब मैं बात करती हूँ समारा यूनिवर्सिटी की, जो हमारा सैमसमू कॉलेज है वो कैसा है। तो पहले मैं क्लासेस की बात करती हूँ, जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं वो काफ़ी सही जगह है, पास में ही है हॉस्टल के। टीचर्स की अगर मैं बात करूँ, जो मेन चीज़ है,
ठीक है, तो टीचर्स यहाँ की बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपके साथ कॉपरेट करती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपसे, ठीक है, अच्छे से बात करती हैं, तो पढ़ाने का तरीका उनका काफ़ी सही है। और यहाँ पे जैसे 15 बच्चों की ग्रुप वाइज क्लासेस लगती है, 15-15 बच्चों की, तो हमारी एक टीचर 15 बच्चों की क्लास लेती है, तो उस वजह से टीचर हर एक बच्चे पर अच्छे से फोकस कर पाती है, ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। और ऐसा ये मत सोचना कि यहाँ पे आप कैडेवर वगैरह नहीं मिलता, नहीं, हमको फर्स्ट सेम में ही कैडेवर देखने को मिल गया था, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ डमीज़ वगैरह इन पर पढ़ाई होती है, हमको फर्स्ट सेम में जब हम मसल्स पे आए थे, मायोलॉजी जब हमारी स्टार्ट हुई थी, तो हमको कैडेवर देखने को मिल गया था, उससे पहले बोन्स वगैरह सब रियल चीज़ों पर अब तक हमने पढ़ा है एनाटॉमी, तो काफ़ी सही चीज़ है यार वो, तो ऐसा मत सोचना कि डमीज़ पे पढ़ाते हैं या वीडियो वगैरह देख के। ऑल्सो यहाँ पे 6 ईयर्स के लिए इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं कि ये बायलैंगुअल है या कुछ रशियन में पढ़ाई होगी, नहीं, यहाँ पे 6 ईयर के लिए इंग्लिश का कोर्स है, टीचर्स को भी इंग्लिश आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के बच्चे हैं, नॉट ओनली इंडिया, यहाँ पे जापान, इजिप्शियन, अफ्रीकन, नाइजीरिया, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे हैं, तो टीचर्स को इंग्लिश आती है और उनको सबकी पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होती है। हमारे साथ भी फॉरेन स्टूडेंट की क्लास लगती है, हमारे ग्रुप्स में कुछ इजिप्शियंस भी हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे भी हमारे 15-15 वाले ग्रुप्स में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे इंडियन स्टूडेंट्स ही होंगे, मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, बट एक या दो जैसे अलग कंट्रीज़ का उसमें होता है, तो टीचर्स का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, और स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है, तो इसलिए टीचर्स का बिहेवियर हमारे लिए अच्छा है, और डेली क्लास जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप एब्सेंट नहीं रह सकते, आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होती है यहाँ पे, अगर आप बीमार हैं तो आप छुट्टी ले सकते हो, आपका जो पेंडिंग वर्क होता है, जो आपने क्लास छोड़ी है और उसका जो आप काम छूटा हुआ है, तो वो आपको कंप्लीट करके टीचर को दिखाना होता है, तो वो चीज़ फुलफिल हो जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि समारा का इंडियन कॉलेजेस के साथ भी टाई अप है, ठीक है, शॉर्ट्स में, तो वो काफ़ी सही चीज़ है, और यहाँ से हम इंडिया जाएंगे, तो यहाँ से जब हम इंडिया जाएंगे और वहाँ पे हम हॉलीडेज़ में जो इंटर्नशिप करेंगे, तो जो जो कॉलेजेस उधर के पास पड़ते हैं, तो हमको उन कॉलेजेस में जाने का मौका मिलेगा इंटर्नशिप के लिए, तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जब हम आए थे तो हमारा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो काफ़ी रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पर यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी नहीं है, तो इट्स गुड। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता भी है तो अलग अलग जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता है, वो इजी लेवल का, नीट के लेवल का ही होता है आपका 11-12th का, नीट के लेवल लाइक हार्डनेस में नहीं बता रही मैं नीट का लेवल, बट जो पढ़ाई सिलेबस होता है वो वही होता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी, मैंने बता दी आपको समारा के बारे में, यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और एक और मेन चीज़ जो रह गई है कि हमारा बजट फ्रेंडली भी है, तो ये हाई बजट कॉलेज भी नहीं है, लो बजट कॉलेज भी नहीं है, ये मीडियम बजट कॉलेज है, और मीडियम में ही इतनी ज़्यादा सही चीज़ें मिल गई हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक एंड नीडेड स्टूडेंट को शेयर कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।